हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो की बस जो कि हिसार से शिमला वाले रूट पर चलती है, शुक्रवार शाम को जब हरियाणा रोडवेज की ये बस हिसार से शिमला जा रही थी तो जाबली के पास एक तीखा मोड़ काटते हुए चालक का दरवाजा अचानक खुल गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जाबली के पास एक तीखा मोड़ काटते हुए हरियाणा रोडवेज के चालक का जो दरवाजा होता है वो अचानक से खुल गया और हरियाणा रोडवेज का वो ड्राइवर चलती बस से ही सड़क पर जा गिरा। अब जब हरियाणा रोडवेज का वो ड्राइवर बस से नीचे ही जा गिरा तो अब उस बस को कोई भी ऑपरेट तो नहीं कर रहा था। अब इस बस के साथ कुछ भी हो सकता था, ये बस पहाड़ी से नीचे भी गिर सकती थी, लेकिन भगवान की दया से ये बस पहाड़ी के साथ टकरा कर रुक गई। नेशनल हाईवे नंबर 5 कालका से शिमला वाले रोड पर एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है और इसके लिए हम भगवान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अगर ये बस पहाड़ी से ना टकराती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस हादसे में लोगों को मामूली चोटें आई हैं और इस बस के ड्राइवर जो कि कपिल देव जी हैं उनको एम्बुलेंस द्वारा परमाणु ले जाया गया। इस बस में करीब 30 से 35 सवारियां सफ़र कर रही थी और इसी बीच ये घटना हुई। अब ये भी सोचने वाली बात है कि चलती बस से खिड़की का खुल जाना कोई आम बात तो है नहीं। नेशनल हाईवे नंबर 5 कालका से शिमला वाले रूट पर यह बड़ा हादसा होने से टल गया है। इस हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और हम उन सब के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब ये खिड़की कैसे खुल गई ये तो खैर भगवान ही जाने, लेकिन हरियाणा रोडवेज में बसों के साथ साथ कर्मचारियों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के साथ हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा रोडवेज में नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए। लेकिन आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।